मैं हूं प्राची अधिकारी। दोस्तों, पायल घोष ने जो आरोप लगाया है अनुराग कश्यप पे, मैं पायल घोष का साथ देती हूं। और मैं ये कहती हूं कि हर एक लड़की जिसके साथ भी कुछ गलत होता है, मैं ये चाहती हूं कि उसी वक्त आप आवाज़ उठाएं। ठीक है, आप में हिम्मत आई, अब आप आवाज़ उठा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर एक तूफान था जो अब जलजला बना और आप बाहर आई, आपको लगा कि आपको बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मित्रों, देखिए, अनुराग कश्यप का जो इतिहास है, आप उनकी अगर पत्नी के सामने टाइम से एक्स वाइफ जो रही कल्कि, जिसको वो पागल कहते थे या कहते थे कि हमने म्यूचुअल कंसर्न से लिया है और कल्कि में एक बचपना है, पागल जैसी है, कार रोको को तो बारिश में खेलने कूदने लग जाती है, अजीब सी है, तो ये इनका डिवोर्स हो गया कल्कि से। अब कल्कि को अगर आप देखें तो कल्कि की शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, वो बहुत खुश है अपने घर में। और यहाँ अनुराग कश्यप वैसे ही हैं, वैसे ही लड़कियों के साथ कर रहे हैं। और दूसरी लड़की को बोला जा रहा है, पायल घोष को, कि 200 लड़कियां तो ऐसी आ चुकी हैं, कईयों के नाम ले रहे हैं। और पायल घोष की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ, जो पायल घोष ने ये कहा कि मैंने साउथ में भी काम करा है और मैं सिद्धि विनायक की कसम खा रही हूँ कि साउथ में ऐसा नहीं है, ये बात मैं नहीं मानती, ये बात झूठ है। क्योंकि साउथ में बड़े प्रोडक्शन 110% इन्वॉल्व रहते हैं और कुछ ना कुछ रहता है। ये कहना कि साउथ में नहीं होता, बिल्कुल गलत है। साउथ में ये कह सकते हैं कि अगर कोई आपके पीछे एक लट्टू है, आप उसी के साथ हो, तो शायद बाकी पीछे हट जाएंगे, वही आपको काम दे देगा, जरूर ये हो सकता है। लेकिन ये कहना कि नहीं होता है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। फिर रही दूसरी बात अनुराग कश्यप की और बॉलीवुड की, बॉलीवुड में शायद 100% है और 99% है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां अपने पैसे लगाती हैं बिजनेस के पर्पज़ से, जैसे आज कुछ फिल्म चैम्बर के लोग आए थे, तेलुगु फिल्म चैम्बर के, और दे लाइक्ड मी एंड दे सेड कि मैडम आप हमारी 40% की पार्टनर बन जाओ। तो यहाँ इस तरीके से भी काम होता है कि आप कुछ पार्टनरशिप या पैसा लगा दीजिए तो वो आपके साथ काम करेंगे और आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा, ऐसे भी काम होता है। लेकिन ये कहना कि ऐसा नहीं होता, ये झूठ है, ये इस बात में वो झूठ बोल रही है। और शायद वो हो सकता है वो अपने को ये बचा रही हूँ कि मैं दूध की धुली हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जिस वक्त अनुराग कश्यप के वहाँ खाना खा रही थी आप, उस वक्त भी आपको बोलना चाहिए था। ठीक है, आप देर आई, दुरुस्त आई, बोल दिया आपने, बट लेकिन देखिए, मैं ये चाहती हूँ दोस्तों कि हमने ऐसा बनना ही क्यों है। जब हमसे कोई गलत बात करता है, उसी वक्त हमें जवाब देना चाहिए। या अगर आप उस सिचुएशन में कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ से बाहर निकल के आप जवाब दीजिए। ये कौन सी बात है कि आप बहुत दिनों के बाद बोलें। चलिए ठीक है, आपने बहुत दिनों के बाद भी बोला, मैं आपका साथ देती हूँ, लेकिन आप ये मत कहिए कि साउथ में नहीं होता, 110% होता। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो अरुणा ईरानी के भाई जो वांटेड पिक्चर के दौरान मुझे मिले थे, तो मैं वहाँ काम कर चुकी होती। और जो दूसरे हैं, क्या नाम है उनका, बड़े बड़े रवि तेजा, वेंकटेश, ये सारे जिनके प्रोडक्शन से मुझे काम आया, मैं वहाँ काम कर लेती। तो ये जो बकवास कर रही है पायल घोष की, ये नहीं, यहाँ नहीं होता है, ये झूठ है। क्योंकि मैं साउथ इंडस्ट्री से हूँ, मैं जानती हूँ कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। नल्ला भुज्जी जैसे बड़े फिनांसर्स जो चिरंजीवी के वहाँ मूवी लगाते हैं, मुझसे मिलने आए जब मैं बहुत छोटी थी, और तब भी काम के बदले में ये सब ऑफर हुआ और पैसे भी ऑफर हुए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इतने कम पैसों में तो मैं तब्बू और त्रिशा को नंगा कर देता, ये उनके शब्द थे मित्रों। अब आप बताइए कौन है वो लड़की जो इतने सारे पैसों में भी नहीं मान रही, इतने कम पैसों में तो मैं तब्बू और त्रिशा को नंगा कर देता, ये नल्ला भुज्जी के शब्द थे। अब आप बताइए दोस्तों, इतना बड़ा जो चिरंजीवी और उसके लिए फिल्म बनाता है, वो ऐसी बात कर रहा है और बोल रहा है कि चार्मी को तो प्रभु देवा ने और निधि प्रसाद ने बंगलो और गाड़ी दे दी, तुमको पता नहीं क्या दे देगा। निधि प्रसाद ने भी ऑफर करा मुझे, एक मूवी थी बहुत पहले जब हम बच्चे थे, एक मूवी आई होगी सुनील शेट्टी की, माला माल धन लक्ष्मी या लॉटरी के ऊपर थी, तो वो निधि प्रसाद ने वो मूवी बनाई थी। तो निधि प्रसाद ने भी मुझसे एक सीन करवाया और मुझे बोला कि प्रभु देवा और श्रीकांत के साथ तुम्हारी फिल्म होगी और चार्मी इसमें लीड होगी और तुम सेकंड लीड होगी। स्टोरी सुनाई कि मैं और प्रभु देवा मिलके चार्मी और श्रीकांत का ब्रेकअप कराएंगे और वो और मैं फिर एक साथ हो जाएंगे, श्रीकांत और मैं, और वो चार्मी को ले लेगा। लेकिन बाद में उसने भी यही चीज़ ऑफर करी, एक हफ्ते तक रुका, एक हफ्ते तक फ़ोन करा। तो दोस्तों, ये जो बकवासें होती हैं कि ऐसा नहीं होता है,
100% यहाँ होता है। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने काम नहीं करा उस पिक्चर में, मेरी जगह आशा सैनी को लिया गया, और बदुआ ऐसी लगी कि आशा सैनी अपना एक असिस्टेंट बना के, एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट बना के किसी को ले जा रही थी US, तो फर्जी उसका पकड़ा गया वो, तो उनका शायद US वीज़ा बैन लगा क्या लगा, मैंने ऐसे सुना था कि ऐसा कुछ हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पर ये दलाली भी होती है कि आपकी शूटिंग के बहाने 25 लोग जाएंगे और वहाँ पर 10 लोग उतर जाएंगे, मतलब उनको छोड़ दिया जाएगा, उनसे 10-10 20-20 30-30 लाख रुपए लिए होंगे। वीज़ा का फ्रॉड भी करते हैं ये लोग ऐसे इस शूटिंग के बहाने, समझे? तो प्लीज़ मैं पायल घोष का समर्थन करती हूँ, उन्होंने अच्छा करा कि चाहे उस समय उन्होंने काम के लिए सोचा होगा कि मुझे मिल जाएगा और मैं यूज़ हो जाऊँ। कई बार लड़कियाँ ऐसा भी करती हैं, उनको समझौते के लिए कहा जाता है, वो समझौता हंसते खेलते स्वीकार कर लेती हैं, और ये लोग उनसे काम निकाल के उनको यूज़ करके फिल्म भी नहीं देते, तो बाद में ये चिढ़ जाती हैं, तो भी ऐसी बातें करती हैं, अपनी मर्जी से भी सोती हैं भैया लड़कियां, मैंने देखी हैं। तो एनीवेज क्या पता क्या है, पायल घोष का सीन, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं तो ये भी सही, लेकिन हाँ अगर कुछ गलत हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।